इंद्र का स्वर्गलोक, ब्रह्मा का सत्यलोक, ध्रुवलोक, अष्ट सिद्धियां, जो भी ऐश्वर्य तुम चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। मेरे दासों के दासत्व में क्या रखा है? तो इसके उत्तर में श्री वृत्तासुर कहते हैं, हे नाथ, मैं जानता हूं आप ही समस्त सौभाग्य के निधि हैं और आप सत्यवादी हैं। जो आप कह रहे हैं उसे करने में आप सर्व समर्थ हैं। यह भी जानता हूं कि आप अति चतुर हैं। झूठे सच्चे प्रलोभन दिखाकर किसी को ठग लेना, किसी की वंचना कर लेना आपके बाएं हाथ का कर्तव्य है। प्रभु, आपने श्री ध्रुव को जो पद दिया है अवश्य वह सत्यलोक या ब्रह्मलोक से भी ऊपर आपके चिन्मय राज्य के अति निकट हैं। आप वहां से बहुत समीप हैं। जब मैंने उस ध्रुवलोक को लेना ही अस्वीकार कर दिया है, फिर उसके नीचे के ब्रह्मलोक को मुझे देने की क्या संगति रह जाती है? ओहो, ब्रह्मा पद से फिर नीचे पृथ्वी लोक के महाराज्य की बात, फिर उससे भी तुच्छ नीचे की पाताल राज्य के प्रलोभन की बात तो हास्यास्पद हो जाती है। हाँ, घटिया वस्तु से उत्तरोत्तर मूल्यवान या श्रेष्ठ वस्तु का प्रलोभन देना फिर भी संगति हो सकता है। हे प्राणनाथ, योग की अणिमादि सिद्धियां में कौन सा परमार्थ सिद्ध होता है? उन सिद्धियों को पाकर तो योगी आपसे दूरी भटक जाता है। अपने लिए अथवा आपके लिए कौन सा प्रयोजन उसे उपलब्ध होता है? हे प्रभु, मैं तो ब्रह्म कैवल्य रूप मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। आप मुझे लोकों और सिद्धियों का चकमा क्यों दे रहे हो? सबसे मुख्य मेरी कामना और प्रार्थना है कि मैं आपको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हे नाथ, केवल आपको, आपको ही चाहता हूँ। ब्रह्म कैवल्य, ब्रह्म में लीनता प्राप्त कर लेने से बढ़कर और आत्मवंचना क्या हो सकती है? आपके चरण कमलों की सेवा से बच निकलने का उपाय हे ब्रह्म चैतन्य की कामना, ब्रह्म कैवल्य की भी चाहतना। न मेरा कुछ अस्तित्व रहेगा, न मुझे कुछ करना धरना पड़ेगा। ब्रह्म कैवल्य का भी की यही धारणा रहती है। हे प्रभु, यदि मैं संसार में कर्म बस भटकता भी रहूं, तो कभी न कभी आपके परम भक्तों के संग से मुझे आपकी भक्ति और प्रेम सेवा प्राप्ति की संभावना तो है। वहां कैवल्य में तो सदा सर्वदा के लिए मैं अपने स्वरूपानुबंधित धर्म आपकी सेवा से हाथ धो दे लूंगा। यह बात आपके विषय में अति प्रसिद्ध है कि भुक्ति मुक्ति देकर आप अपना दामन भजन करने वालों से छुड़ा सकें। आप उन्हें प्रेम भक्ति या अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं, उसे तिजोरी में छिपाकर रखते हैं। हे चतुर शिरोमणि, आपका दासानुदास होना कोई हल्की सी बात नहीं है। यदि ऐसा हो तो फिर आपकी कृपा कर आपकी कृपा से मुझे सर्वोच्च पदवी कौन सी है? आपने ही तो श्रीमुख से मेरी कामना को सर्वोच्च कहकर अनुमोदित किया है। मत्सेवया प्रतितंति सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोन्यत् काल विप्लुतम्। मेरे दासत्व में या मेरी प्रेम सेवा में अपने को परिपूर्ण अर्थात कृतकृत्य मानने वाले सुबुद्धिमान भक्त शालोक्य, शास्त्री, सारूप्य और सामीप्य, इन चार प्रकार की मुक्तियों को भी, जिनमें ऐश्वर्यातिशिक्त सेवा को किंचित अवसर भी रहता है, नहीं चाहते। और साधुत्य या ब्रह्म कैवल्य की इच्छा तो क्या उसके नाम बोलने सुनने को भी उन्हें घृणा आती है। चाहना तो क्या मेरे देने पर भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। फिर काल के ग्रास नाशवान अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या है? अतः हे प्रभु, मैंने आपके इस दासानुदासत्व की प्रार्थना की है।
जिसमें आपके मंगलमय श्री नाम गुण रूप के श्रवण कीर्तन स्मरण के साथ मुझे सदा आपकी समीपता प्राप्त रहेगी, क्योंकि आपके श्री नाम रूप गुण तो आपके स्वरूप भूत चिदानंदमय है, आपसे सर्वता अभिन्न है। निश्चय ही मैं आपकी चरण कमल सेवा यही सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आपके शुद्ध प्रीतिमय दासों के अनुगत्य में रहकर आपके श्री नाम गुणों का गान करते हुए सदा आपके चरण कमलों की प्रेम सेवा करता हुआ आपके पास रह सकूं। हे कमल लोचन, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जिनके पंख अभी नहीं लगे होते हैं, वे जैसे अपनी माता के आने का प्रतीक्षा करते रहते हैं और रस्सी से बंधे हुए बछड़े भूख से आतुर होकर जैसे अपनी माँ गाय को दूध पीने के लिए व्याकुल रहते हैं और वियोगिनी प्रतिव्रता पत्नी परदेश में गए हुए अपने स्वामी की दर्शन के लिए जैसे उत्कंठिता रहती हैं, वैसे ही मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहे। हे कमल लोचन, आपकी कृपा को छोड़कर मुझमें अपनी कामना को पूरा करने की भी कोई शक्ति नहीं है। जैसे परों के निकलने से पहले घोंसले में पक्षियों के बच्चे भूख के मारे मां के चुगा ले आने की प्रतीक्षा में चाय चाय करते हुए आतुर रहते हैं, किंतु चुगा लेकर आना तो उनकी माँ के अधीन है, और जैसे छोटे छोटे बछड़े क्षुधातुर होकर रस्सी से बंधे माँ के स्तनपान के लिए व्याकुल रहते हैं, किंतु उन्हें माँ का स्तन्यपान कराना तो गाय के स्वामी का अधीन है। फिर जैसे परदेश में गए हुए पति के मिलन के लिए एक पतिव्रता नारी अति व्याकुल से अंगुलियां पर दिन गिनती रहती है और बार बार घर के दरवाजे पर आकर खड़ी झांकती एवं पति की बाट तो जोती रहती है, किंतु पति का घर में आगमन तो पति के ही अधीन होता है, पत्नी के नहीं। इसी प्रकार हे नाथ, मैं आपके दर्शन तथा आपके चरण कमल की सेवा के लिए अत्यंत व्याकुलित हूँ और पक्षी सावक तथा गोवत्स की भांति मेरा कोई भी आश्रय भी नहीं है, लेकिन मेरी कामना पूर्ति आपकी कृपा के अधीन है। मैं संसार की त्रिताप अग्नि में जला जा रहा हूँ। देह दैहिक विषयों की मेरी भूख आप ध्रुव पद ब्रह्मादि पद के आधिपत्य से मिटाने की बात कर रहे हैं, किंतु उस पतिव्रता युवती को जो सर्वेंद्रियों से सेवा संपादन की तीव्र लालसा करती है, पति के सौंदर्य माधुर्यादि गुणों के आस्वादन पूर्वक जो पति के सुख विधान करने की उत्कट आतुरता है, मेरी आतुर उत्कंठा वैसी जानिए जब तक मेरी सर्वेंद्रिया मधुकर की भांति आपके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करते हुए आपका सान्निध्य प्राप्त नहीं करती, मेरी व्याकुलता का अंत नहीं हो सकता है। पक्षी सावकों की माँ के प्रति साधारण प्रीति है, उनकी आतुरता अपनी भूख निवृत्ति के लिए केवल चोगा मात्र में सीमित है, माँ के सुख संपादन में नहीं है। बछड़े की प्रति गाय का वात्सल्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने शरीर के अंशभूत दूध से उसे पुष्ट करती है। स्तन्यपान कराते हुए गाय भी बछड़े के प्रति अपनी करुणा बिखरती है, किंतु गाय के लात मार जाने पर अथवा बछड़े के तृण घास चरने लगने पर गाय और बछड़े की प्रीति समाप्त हो जाती है। अतः चाहे पक्षी सावक हो चाहे गोवत्स, इनकी प्रीति अस्थाई है, किंतु पतिव्रता युवती के प्रीति स्थाई है, व्यभिचारी नहीं है। वह आनुषंगिक रूप से अपने सुख के साथ पति का सर्वेंद्रियों से सेवा सुख विधान करती है। इसीलिए श्री वृत्रासुर ने कहा है, हे प्राणपति,
हे सर्व सौभाग्य निधि, हे कमल लोचन, मैं आपके मधुरात्मक परिकरों के अनुगत्य में रहकर आपकी सेवा विधान का सौभाग्य चाहता हूँ। हे नाथ, मैं अपने कर्मों के वशीभूत होकर संसार चक्र में भ्रमण करता रहा हूँ। अब मरणोपरांत आपके पुण्यकीर्ति भक्तों का संग, उनकी मित्रता मुझे प्राप्त हो। किंतु आपकी माया से मोहित होकर जिन लोगों का चित्त देह पुत्र स्त्री और घर संपत्ति से आसक्त हो रहा है, उनका संग या उनके साथ मेरी मित्रता न हो, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। इस प्रकार जब श्री वृत्रासुर ने श्री भगवान के चरण कमलों की मधुरात्मक सेवा की सौभाग्य प्राप्ति का प्रार्थना की, तो इस सर्वोत्कृष्ट साध्यतम प्रेम भक्ति की सुदृढ़ कामना के साथ साथ उसके चित्त में प्रेम भक्ति उचित दीनता के साथ उस भाव उदित हो उठा। वह बोला, हे नाथ, मैं क्या जल्पना कर रहा हूं? बौना होकर आकाश का चंद्र पकड़ना चाहता हूं? हाय हाय, मेरे लिए ऐसे सौभाग्य की संभावना कहां? आपके चरण कमलों की प्रेम सेवा ब्रह्मा शिवादि बड़े बड़े सूर मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा रामगण जो संसार के त्रितापों से परे रहकर सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, वे भी जब आपके चरण कमलों की सेवा के सौभाग्य को प्राप्त कर देते हैं और वो भी सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, तब मुझे से तामसी योनि को प्राप्त असुर देहधारी अधम व्यक्ति को आपके चरण कमलों की दासोचित सेवा का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकता है? अत्यंत असंभव और नितांत दुर्लभ है। यह सोचकर श्री वृत्रासुर ने अंत में कहा, हे नाथ, देखिए, सामने इंद्र ने उस अमोघ वज्र को मेरे ऊपर छोड़ने के लिए हाथ में ले लिया है। मेरा यह देह पात होने का हो है आ गया है। अतः मेरी केवल यही प्रार्थना है कि देहपात के बाद अब जैसे असुरों के संग को प्राप्त हुआ हूँ, वैसी प्रकृति के लोगों के संग को प्राप्त न हो जो आपकी मायावश आपकी सेवा को छोड़कर देह पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्त होकर बार बार जन्म मरण रूप आवागमन में भ्रमण कर रहे हैं, उनका साथ उनकी मित्रता मुझे कभी प्राप्त न हो। मुझे प्राप्त हो तो आपके पुण्यवान भागवत जनों का संग ही प्राप्त हो, उनके साथ मेरी मित्रता उठना बैठना हो। और श्री वृत्रासुर ने अंत में कहा, मैं महत्संग को प्राप्त करने की प्रार्थना में अपनी समस्त कामनाओं का समावेश और समाधान अनुभव कर लिया है। भागवत जनों का संग प्राप्त होने में भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण का श्रवण कीर्तन स्वतः ही प्राप्त होता है और साधन भक्ति की अनुष्ठान से प्रेम भक्ति और उसके फल स्वरूप श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त भक्तजन और श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होने में कोई संशय नहीं रह जाता है। श्री वृत्रासुर के इन अंतिम शब्दों के साथ इंद्र के वज्र ने आकर उसके शरीर को धराशायी कर दिया। भयानक असुर योनि प्राप्त कर भी उसने परम भागवतोचित दुर्लभ एवं अनुपम गति को प्राप्त किया। असाधारण रूप में उससे भगवत उपलब्धि की, यही कारण है कि महापुराण श्रीमद् भागवत के लक्षण उसका परिचय देते हुए इस वृत्रासुर के व्याख्यान की विशेषता देखते हुए श्री मत्स्य पुराण में कहा गया है कि वृत्रासुर वधोपेत तद भागवत मिष्यति, अर्थात जिस परम भागवत श्री वृत्रासुर वध की कर्ता जिसमें है वह श्री मद्भागवत है। हरे कृष्ण।